Welcome back, everybody. In the last episode of Lane Split with Mallika, we dove into the life of Ganesh, also known as Miles on Canvas, a Punekar who started off pursuing a career in accounting, but later found passion in motor art. If you guys didn't get a chance to watch that episode, you can find the link below in the description. Today, let's take a closer look at his travels, projects, and how his passion for motor art grew into what it is now. Ganesh, welcome back. You were part of the Helmets for India project, which was done in collaboration with Moto Art Show. For those of you who don't know, this project promoted two-wheeler road safety in India by bringing focus to the importance of wearing helmets properly and securely while riding. Moto Art Show organized a custom helmet art exhibition in Bombay with over 20 helmets customized by artists from all over the world, including Ganesh. Niels Peter Jensen, the founder of Helmets for India, put together a celebrity riding team that rode from Bombay to Goa to create awareness and give away helmets to those in need. You were part of the riding crew, Ganesh, and you painted two beautiful helmets, one that was part of the exhibition and one that you painted during the journey from Bombay to Goa. Can you tell us about your experience as an artist and as a messenger spreading the message of safe riding? मेरा पहला एग्जीबिशन मोटो आर्ट शो से हुआ था और पहला इंटरव्यू आप भी ले रहे हो. आई वाओ ओके तो आई एम ऑन स्टार्टिंग मेरा मोटो आर्ट शो से सब स्टार्ट हो रहा है. वेरी गुड आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट. फर्स्ट थिंग कि मैंने जब पेंटिंग चालू किया तो मेरा मैंने बोला कि मेरा स्टार्टिंग जब हुआ मतलब बोलते हैं कि मैंने वापस 10 साल के बाद वापस पेंटिंग चालू किया मैंने ये कह रहा था तब. आई थिंक मैंने लगता है कि मोटो आर्ट शो के साथ ही पहला ये हुआ था एग्जीबिशन राइट. तो तभी से वापस एक बोलते हैं कि एक स्पार्क मिलता है और एक काम करने को एक एनर्जी मिलती है. तो आई थिंक वहाँ से चालू हुआ था कि यार कुछ तो आगे जाके कुछ होप से या स्कोप है जो भी मैं कर रहा हूँ या राइट डायरेक्शन में जा रहा है. और एक उसका एक ये होता है एक हमको किसी एक ये चाहिए रहता है ना एक्नोलेजमेंट की है जो भी मैं कर रहा हूँ राइट या सही है. तो कभी कभी हम लोग अप्रिसिएशन मिलता है या कहीं कोई बोलता है यार यहाँ सही है. आई थिंक मोटो आर्ट शो का जो पहला एग्जीबिशन था वो मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट था कि वो आगे आओ काम करने के लिए. तभी से वापस मैंने ये कर लिया था कि ज्यादा काम चालू किया था. तो बाद में वापस हेलमेट फॉर इंडिया का एक आ गया था आपसे कि कोलैबोरेशन मोटो आर्ट शो के साथ. तो वहाँ पे भी एक अच्छा था वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि हेलमेट तभी वहाँ पे उसी के दिमाग में रखते मैंने हेलमेट पेंट किया था. आया था कि अभी क्या कर सकते वहाँ पे लकीली मैं उस हिमाचल पे राइड पे था उस वक्त लकीली. तो वो मैंने बोला कि अभी यार मैं बाइक पेंट करके मतलब नहीं है और ये करके मतलब तो वही बोला यार बाइकर है तो एज अ हेलमेट ज्यादा है ना क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट वही था कि वेयर हेलमेट पहनो और बाइक चलाओ राइट. अगर हेलमेट अपना ब्यूटीफुल होगा तो भी लोगों को पहनने के लिए भी अच्छा लगेगा राइट. उसको ब्यूटीफुल कैसे बनाएंगे हम लोग. मेरे पास जो स्किल है उसको मैं लेके राइट तो उसको लेके कुछ कर सकता हूँ. तो मैंने ये किया कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ उसका मेमोरी हम लोग दिमाग में लेके आते हैं तो मैं हेलमेट पे लेके आ जाऊंगा. तो मैंने भी वहां से वो चालू किया था लेकिन वो अच्छा ये हो गया वहाँ पे. और मेन एक्सपीरियंस था ना वो राइड्स का वो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा क्योंकि मुझे एज अ बाइकर मैंने बोला कि मैं एज अ बाइकर खुद को बहुत ये नहीं समझता कि मैं बाइकर हूँ या कुछ हूँ. मुझे बाइक चलाने को आता है मैं मेरा सामान कैरी करके लेके जा सकता हूँ वहाँ पे बैठ के पेंटिंग कर सकता हूँ सब कुछ मतलब है बाइक चलने को आता है. लेकिन बाइकिंग के सब वो होते हैं ना कि टेक्निकल सब बाइक चलाने के कि कैसे चलाना चाहिए टर्न कैसे लेना चाहिए कौन से सिचुएशन में कैसे ये करना चाहिए. आई थिंक वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. ये सब क्यों हुआ क्योंकि तो हम जा रहे थे ना तब मेरा सडनली एक टर्न के ऊपर मेरा एक्सीडेंट हो गया है. yes, आपको पता रहेगा राइट. तो एक टर्न था शार्प टर्न था वहां पे मेरा कंट्रोल लूज हो गया कंट्रोल ये हो गया बैलेंस नहीं हुआ मेरी ठीक से. तो मैं रास्ता क्रॉस करके गिरा बहुत जोर से गिरा. तो उसी वक्त वो हेलमेट भी पहना था इसलिए मैं आई थिंक अभी आपके सामने हूँ. तो वो हेलमेट नहीं रहता तो मुझे पता कि कितना जोर से बैंग हुआ था मुझे राइट. तो एक वो बोलते हैं कि हेलमेट टेस्टिंग वाला एक पार्ट था वो बेसिकली मैंने हेलमेट पहना अच्छा है कि नहीं और ठीक से आपने बंद करा स्ट्रैप या नहीं राइट राइट. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहां पे जाके फिर हेलमेट पहन किया मैंने. तो ये भी था ना कि हम लोग दिन भर राइड करते थे ओके. तो वो भी था कि मुझे हेलमेट पहन करने के लिए स्कोप ही नहीं मिलता था कि तो वो सब शेड्यूल पूरा पैक था राइट.
तो वहाँ पे जाके मैं पेंट कब करूंगा, तो मुझे पेंट करने के लिए स्कोप ही नहीं था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आगे से 3-4 दिन है वो मेरा हेलमेट भी पेंट नहीं हो रहा, तो मैंने डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए मैं पेंटिंग करूंगा करके। राइट, हम लोग सुबह से लेके रात भर राइड किया, 7 बजे पहुंचे हम लोग वहां पे। मैंने बैग रख दिया, कलर निकाले, मैंने चेक इन भी नहीं किया, कलर निकाले, हेलमेट ले लिया, बीच के ऊपर जाके बैठा, नील्स को बोला मैंने मैं हेलमेट पहन करूंगा, बाद में आ जाऊंगा वहां पे, मुझे थोड़ा खाना भेज देना। तो वो सब बाद में देख लूंगा। तो मैंने वो हेलमेट पेंट करने के बाद फिर किया कि मतलब दिन भर एक करके, वो मुझे ये नहीं हुआ कि मेरे फिजिकली बहुत ये हो गया है, मैं अभी मुझे आराम करना चाहिए, क्योंकि मुझे पेंट करना है तो करना है, वो जो चीज अच्छी लगती है ना तो उसमें कुछ ये नहीं करते हम लोग, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते उसमें कभी। वो एक था कि जो फील नहीं हुआ कि मैंने ज्यादा ये किया है कि एग्जाम हुआ है या कुछ हुआ, बट सही मस्त एक्सपीरियंस था वहाँ पे कि लोगों को, लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा था, जहाँ जहाँ पे हम लोग बैठते थे और हेलमेट देते थे ना लोगों को, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, तो बहुत खुश थे लोग। आपका हेलमेट तो सुपर हिट था शो पे, आपके पेंटिंग्स जो आपने लगाए थे और हिमाचल वाला हेलमेट, वो तो बहुत ही सबको अच्छा लगा था। वो तो आई थिंक तब से आई थी हिमाचल वाला राइड हो गया, उसके बाद भी वाला किया, उसके बाद मेरा राइड हुआ ही नहीं अभी तक। मैंने हिमालय परचेस की, वो हम्पी वाली बाइक अभी घर में रखी है मैंने, कि उसको अभी मुझे ये करना है काम, और उसको तो रिटायर कर दिया ना मैंने अभी, उसका भी स्टोरी अलग ही था। मैंने वो पेंट किया उसको, क्योंकि जब मैंने बाइक परचेस किया था ना वो, तब मेरा पहला बाइक राइड हम्पी था, तो अभी मुझे नया बाइक लेने का था, हिमालयन लेने का था, और मुझे बाइक को रिटायर करने का था, अभी उसके लिए क्या करूँ। फिर एक उसका फेयरवेल राइड करके मैंने ये वाला हम्पी वाला किया मैंने, ओके, वो भी मैंने ऐसे एकदम 5 दिन में राइड किया मैंने, कि मुझे ऐसा कैलकुलेशन किया कि एक दिन मुझे जाने को लगेगा, एक दिन आने को लगेगा, और बीच में मुझे 3 दिन वहां पे पेंटिंग करने है, मुझे पूरा बाइक पेंट करना है 3 दिन में। तो वो भी एक्चुअली एक दिन का ट्रैवलिंग नहीं था, वो कि हाफ डे था, तो मैं पहले दिन पूना आ गया, पूना से फिर 6 बजे चालू करके रात को 10 बजे वहां पे पहुंचा मैं उस दिन, और सुबह से 7 बजे से पेंटिंग चालू करता था, शाम तक वापस दूसरे दिन सुबह चालू करता था, तो ऐसे 3 दिन कंटिन्यूस पेंटिंग किया, एक दिन आने के लिए वापस नॉन स्टॉप। तो वैसे आके वो इतना ये था ना, एग्जर्शन फिजिकली हेक्टिक था ना राइड, बट वो बहुत अच्छे, सबसे बेस्ट राइड हुआ मेरा, कि जितना आउटपुट मिला था मुझे वहाँ पे भी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वहाँ पे एक टेम्पल है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत कुछ जगह पे पेंटिंग करना अलाउ नहीं है वहाँ पे, ओके, तो वो क्योंकि यूनेस्को वाला ये है ना, वो हेरिटेज है, तो यूनेस्को से कनेक्टेड है, तो इसलिए वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है, पहले परमिशन लेके आप कर सकते हो पेंटिंग। तो मैंने पेंट किया, तो वहाँ पे एक टेम्पल था विट्ठल टेम्पल, अपना पर्सनल व्हीकल अलाउ नहीं है वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे गया, वहाँ पे पूछा, तो बोला अलाउ नहीं है, आपको जाके परमिशन लेना पड़ेगा वहाँ पे। वहाँ पे जाके बात किया मैंने, उनको बोला कि ऐसे ऐसे है, तो मुझे बाइक के ऊपर ही पेंट करना है बोला, तो लेकिन मुझे बाइक अंदर लेके जाना पड़ेगा, आपका परमिशन चाहिए। तो मैंने उनको लेकर दे दिया, तो वो बोले कि एक काम करो, उनको पहले बाइक देखा, उन्होंने बाइक देखने के बाद उनको बहुत ये हुआ कि यार मस्त है, मतलब पहली बार किसी को देखा है उन्होंने कि यार एक बंदा बाइक के ऊपर क्यों पेंट करता है, उसका कैनवास नहीं है क्या उसके पास? तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये ऐसे परमिशन अलाउ नहीं है, आप उनको दे रहे हो परमिशन तो हमको भी बाइक लेने को लेके जा सकते हैं। मैं बोला आपकी बात सही है बोला, क्योंकि वो होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे बीच में बैठूंगा, रस्ते में लोग आके देखेंगे, तकलीफ करेंगे, कुछ भी पता नहीं ना कौन कैसे आता है। एक काम करो बोला, आपका 9 बजे चालू होता है ना ये, मुझे 6 बजे परमिशन दे दो, मैं सुबह सुबह 6 बजे आके पेंटिंग करूंगा, 9 बजे के पहले मेरा पैकअप करूंगा बोला, तब तो कोई नहीं आएगा वहाँ पे बोला, अगर 9 बजे आपको पैकअप करना पड़ेगा बोला, हाँ वो मेरी गारंटी बोला। मैं बोला कि ठीक है, तो बोला ठीक है आपको लेकर नहीं चाहिए, आप जाओ उनको फोन करो, मैं उनसे बात करता हूँ। okay. तो दूसरे दिन मैं सुबह 6 बजे वहां पे गया, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बोला उनको बैठने दो, तो मैंने बैठा, 9 बजे मैंने वो पेंटिंग कंप्लीट किया, 2 घंटे में टैंक के ऊपर, थैंक यू बोला, तो नहीं नहीं एक साइड पे, तो मैं रस्ते पे बैठ के किया था, हाँ ओके ओके ओके, एक साइड किया। तो फिर उनको मैंने, उन्होंने बोला कि आपके होने के बाद दिखाने के लिए आ जाओ, मेरे बच्चों को देखने गए वो, क्योंकि वो मेन एड है, तो उनको मैंने दिखाने के लिए गया वहाँ पे,
उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि यार आपका जब कंप्लीट होगा ना आप लेके आ जाओ, हम लोग प्रमोट करेंगे उसको हम्पी के बाइक के साथ। और वहाँ पे भी एक अच्छा था कि वहाँ पे लोग फॉलो करते थे कि वहाँ पे किसने फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया तो वहाँ पे वायरल हो गया, सब लोग आके देखते थे वहाँ पे फोटो खींचते थे। तो एक जर्नलिस्ट था एक बंदा, तो वो आके रास्ते में पीछे पीछे भाग के आ रहे थे, मतलब बाइक के ऊपर फॉलो कर रहे थे, मुझे बीच में आके रुको रुको साइड में, बोला क्या हुआ भाई? बोला नहीं, बोला ये आपका फोटो देखा, बोला आपका ये लेने का इंटरव्यू लेने का मुझे आपका, बोला अभी तो रास्ते में रुका हूँ मैं, अभी मैं एक जा रहा हूँ पेंटिंग करने के लिए, वहां पे आ जाओ, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं। तो उस बंदे ने उसको भेजा, जो एक तो उसने सब कुछ पूछा मुझे, और उसने खुद ने ही सब न्यूज़पेपर में टीवी पे सब पे दे दिया, मुझे भी पता नहीं, और यही को भेजता था मुझे, तो वो पूरा हम्पी का पूरे न्यूज चैनल में वहां पे ये हो गया था पूरा वायरल। हाँ, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, तो मैंने कुछ दिमाग में नहीं था, मतलब आप कुछ कुछ चीज करते हो ना आप सही, इससे तो ये सब चीज हो जाता है, तो आपके बिहार ना आपको उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। मैं बोलता हूँ यार मुझे अगर लोगों को अच्छा लगता है तो लगता है लोग उसको ये करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो एक चीज है ये पेंटिंग के थ्रू ना ये सब जो हो रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन और रिलेशन बिल्ड होता है ना, तो कनेक्शंस उसमें बनते हैं आपके मुझे कनेक्शंस होते हैं। उसमें फाइनेंशियली मुझे कुछ मिल नहीं रहा बेसिकली, मैं बोलता हूँ ना अभी तक जितने मैंने पेंटिंग किया है ना, अभी तक मुझे एक भी पेंटिंग बेचा नहीं है, लेकिन मुझे जो मिलता है सेटिस्फेक्शन ये रिलेशन बिल्ड करने के बाद और ये सब करने के बाद, वो मुझे मुझे बहुत मैटर करता है कि यार पैसा तो मैं आज ना कल कमाऊंगा, यार पैसा क्या आने जाने वाला है, राइट? मुझे ज्यादा नहीं है, मुझे दो वक्त का मुझे खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मुझे पेंटिंग करने को मिलेगा, उतना पैसा मुझे काफी है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे सेविंग करना है, वहां पे सेविंग करना है, ये करना है, इसलिए मैं खुश हूँ जो जिसमें भी हूँ ना। मुझे आई थिंक तो इसके वजह से मुझे मिलता रहेगा, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो सॉल्व हो जाते हैं इसके वजह से, ऐसा है। तो आप और आर्टिस्ट्स को क्या बोलना चाहेंगे, जो और आर्टिस्ट्स हैं जो अप एंड कमिंग हैं, जो भी परस्यू करना चाहते हैं आर्ट या किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलोगे उनको? नहीं ये है ना कि आर्ट बहुत पेशेंस वाली चीज है, राइट? आर्ट ऐसा नहीं है कि मुझे भी पता नहीं कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा आगे जाके, वो टोटली डिपेंड्स कि मेरा आर्ट का वैल्यू कैसे होता है, कि आर्ट का मैं पेंटिंग देख के वैल्यू नहीं होता, उसके पीछे जो बंदा है ना काम कर, वो बंदा कितनी है उसके पीछे, राइट? वो बंदा कितने साल से काम कर रहा है उसके अंदर, बराबर? वो बंदे का इन फ्यूचर में वैल्यूएशन क्या होने वाला है, राइट? ये सब मैटर करता है। इसलिए आपने नोटिस क्या रहेगा ना, जो आर्टिस्ट रहते हैं ना उनका, उनको जो भी सक्सेस मिलता है ना उनके 40s के आगे या 40-50 के एज में उनको ज्यादा ज्यादा सक्सेस मिलता है, लेकिन हाँ तब तक तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता है, लेकिन जो एक्चुअल सक्सेस मिलना चाहिए ना वो उनको बहुत लेट मिलता है उनको। ये सब लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस है आपको ये देखिए, लेकिन तब तक आप उसके साथ बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए आपके। मेरा एक है कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना मेरे काम के लिए मेरा ऑनेस्टली काम करना चाहिए, और मैं उसके लिए मेरा डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए इसके लिए। मेरा एक ही अगर मेरा जॉब चालू है और मैं इसके वजह से मैं अभी ये कर सकता हूँ, क्योंकि अगर जॉब नहीं होता मेरा तो फाइनेंशियली अभी मैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता था मेरी, राइट? वो कैसे करूंगा मैं, बाइक राइड्स का इतना एक्सपेंसिस होता है, राइड पे जाना, पेंटिंग करना, ये सब कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। तो मेरा वैसे है कि जो भी आता है मैं घर का काम होने के बाद मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो सेविंग नहीं करता, क्योंकि मैं जीता हूँ लाइफ, मुझे अभी लाइफ जीना है, मैं सेविंग करके आगे बूढ़े बूढ़ा होने के बाद उसके पैसे का मीनिंग ही नहीं ना मेरे लिए, हाँ राइट? बिल्कुल तो हाँ मैं रोज पेंटिंग करूंगा और रोज डालूंगा, तभी कोई मुझे आके बोलेगा ये बंदा जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, राइट? ये बंदा एज आर्टिस्ट जी रहा है ये बंदा, अगर मैं एक महीने में एक पेंटिंग करूंगा तो इट्स लाइक कि नहीं क्या इसको टाइम मिलता है तभी ये करता है, इसलिए मैं एज अ हॉबी नहीं देख रहा हूँ, तो मुझे टाइम मिलेगा तब मैं पेंटिंग करूंगा, मैं इसके लिए टाइम निकलता हूँ, इसके लिए मुझे पेंटिंग करना ही है। तो वो बहुत चाहिए कि आपको कितना आप दिल से काम करते हो ना वो बहुत चाहिए, और उसमें होता है ना कि एक्सपेक्टेशन किया है मुझे अभी पेंटिंग किया मैंने, मुझे अभी इमीडिएट ये बेचना चाहिए और उससे ये, तो उसके लिए अलग ऑप्शन आप ट्राई करो, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं पेंटिंग किया और अभी बिकेगा और उससे पैसा मिलेगा, जिंदगी तो ऐसे ही नहीं चलती रहेगी उसके भरोसे ही जी रहा हूँ मैं। या।
Thank you everyone who watched this inspiring story. Ganesh's has been one hell of a journey with a clear message that continuing to put in the work pays off. Keep up, because zindagi to aise hi chalti rahegi. Next week, we are doing our final interview for this season of Lane Split with Mallika. And our guest is talented in not just his craft, but also in wit and sarcasm. This moto artist from Hyderabad turns scrap metal into incredible works of art. Press the bell icon below to be notified once we go live with this interview. And don't forget to follow us on Instagram for some kick-ass moto art content. This is your host, Mallika, signing off.